हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट गिवन असर्शन का इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। तो चूज करना हमें करेक्ट ऑप्शन। असर्शन यहां पे गिवन है, स्वॉलन लीफ बेस को पल्पिनस कहा जाता है। रीजन यहां पे गिवन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर दोनों असर्शन रीजन टू है, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा असर्शन को, आंसर हो जाएगा ए। दोनों असर्शन रीजन टू है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, आंसर हो जाएगा बी। असर्शन टू है, रीजन फॉल्स, आंसर हो जाएगा सी। असर्शन एंड रीजन दोनों ही फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, दैट इज पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ लीफ, तो लीफ में अगर हम देखें तो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो है स्वॉलन लीफ बेस होता है, स्वॉलन लीफ बेस होता है, उसे क्या कहा जाता है, पल्विनस कहा जाता है। पल्विनस कहा जाता है। तो जो टर्गर प्रेशर होता है इन द सेल्स ऑफ पल्विनस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट, लीफ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो असर्शन यहाँ पे देखे तो असर्शन कहा है कि स्वॉलन लीफ बेस को पल्विनस कहा जाता है, बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए वो पल्विनस है, लाइक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लीफ में अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर होता है उसे, जहाँ पे लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, लेमिना कहा जाता है, नॉट पल्विनस, दैट इज लेमिना। तो यहाँ पे लीफ में लेमिना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स, आंसर हो जाएगा सी हमारा यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बस्ट ऑफ लक।